तो देखिए गाइस, पिछले वीडियो में हमने इस इंडक्शन को रिपेयर कर कर आपको दिखाया था। अब ये इंडक्शन जो है हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंडक्शन कुकटॉप का जो शीशा है उसे हम किस तरह से बदल सकते हैं बिल्कुल घर पर। देखिए यहाँ पर इसका वायर है, इसे मैं लगाता हूँ। देखिए इंडक्शन हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है, ये देखिए 1300 वाट पर। तो इसकी अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, चैनल पर हमारे पड़ी हुई है। देखिए सबसे पहले इसका ग्लास हमें उतारने के लिए यहाँ पर एक चाकू ले लेना है और इसे एक तरफ से लगाना है, किसी भी साइड से आप लगा सकते हैं इस तरह से, और इसे धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाते जाना है इस तरह से, कुछ ऐसे। देखिए आपको सावधानी से इसे उतारना है क्योंकि ये कांच का होता है जिससे हाथ में चोट भी लग सकती है। देखिए इस तरह से हमें धीरे धीरे इसे आगे बढ़ाते जाना है। देखिए इसके अंदर जो ग्लू होती है वो चाकू से हमारी ग्लू कट जाएगी और शीशा जो है आसानी से हमारा उतर जाएगा। देखिए ये बीच में से हमारा टूटा हुआ है तो इसे यहाँ से हमें दो भागों में इसे काटना होगा। देखिए पहला जो हिस्सा है इसका वो उतर चुका है, अब हम दूसरे को उतारते हैं। तो दूसरे को उतारने के लिए भी बिल्कुल सेम तरीके से हमें चाकू जो है वो आगे बढ़ाना है यहाँ पर इस तरह से। ये देखिए ये इस तरह से, देखिए पुराना ग्लास जो है वो हमने हटा दिया है, यहाँ पर हमारा ये पुराना ग्लास है तो इसे साइड करते हैं। अब देखिए शीशा हमें प्रॉपर चिपकाने के लिए इसकी जो ऊपर गंदगी है ये सब साफ़ कर लेनी है। देखिए जो आपको हाथ से साफ हो उसे हाथ से साफ कर देना है इस तरह से। अब इसके अंदर देखिए पुरानी ग्लू जो है वो फंसी हुई होती है तो आपको इसे भी निकाल देना है इस तरह से। ये देखिए इसे निकाल देनी है। देखिए जल्दी से मैं इसे जो है साफ कर देता हूँ। तो देखिए मैंने ये भी जो है ग्लू अच्छी तरह से साफ कर दी है। अब हमें क्या है, देखिए इस तरह का जो रेसी बोंड है हमें ये इसके चारों ओर लगा देना है। आपको ये बाइक रिपेयरिंग शॉप पर आसानी से मिल जाएगा। देखिए बिल्कुल बंद है हमारा, तो इसे इस तरह से खोल देना है और इसके चारों तरफ हमें डाल देना है। किनारों पर हमें थोड़ा थोड़ा लगाना है। और यहाँ पर चारों तरफ इसे लगा देना है। देखिए मैं जल्दी से लगा देता हूँ। देखिए इसे लगा देते हैं। देखिए चारों तरफ हमने इसे लगा दिया है, अब हमें इसे उंगली से चारों ओर फैला देना है यहाँ पर इस तरह से, चारों ओर इसे फैला देना है इस तरह से, इसे चारों ओर फैला देना है उंगली से। देखिए जहाँ पर भी कम लगी है ग्लू वहाँ पर हमें और डाल देनी है।
अब देखिए ग्लू जो है वो लग चुकी है। अब हमें दूसरा ग्लास लेना है जो इसके ऊपर हमें रखना है। तो इसकी डायरेक्शन देखनी है हमें किस ओर रखना है ये, और ग्लास हमें इसके ऊपर बिल्कुल रख देना है। देखिए जैसे हमने यहाँ पर ग्लास रख दिया है, बिल्कुल प्रॉपर जो है हमने ग्लास इसके ऊपर रख दिया है। अब इसके ऊपर हमें 2 से 3 घंटे के लिए कुछ वेट रखना है, मतलब इसके ऊपर वजन रख देना है जिससे कि फोर्स हमारा नीचे की ओर लगे और ग्लास जो है हमारा सेट हो जाए। तो देखिए मैं इसके ऊपर वजन रख देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास जो है ये 2 बैटरी हैं UPS की, आप देख सकते हैं इस तरह से, तो मैंने ये रख दी है। और आप अगर यहाँ तक वीडियो में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना। और शीशा जो है हमारा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चिपक चुका है। ऐसी ही नई नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।